से आना तो इस टाइम पे भाई गलत ही है। तो भाई साहब अभी हम आ गए हैं, ये देखो यहाँ पे बैठ, ये है कैंडोलिम की PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मेरे साथ रात को पता नहीं क्या बवाला सा हो गया, मस्त आराम से रात को सो रहा था मैं, ठीक है, सामने AC लगा हुआ था, बढ़िया चल रहा था, मस्त ठंडी ठंडी हवा थी, सो रहा था, एकदम से नींद खुली तो मैंने क्या हुआ, पैर मैंने स्ट्रेच किया अपना, ऐसे नहीं करते इस तरीके से, पैर मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, इसी को स्ट्रेच करने में मेरे पता नहीं यहाँ से कुछ चीज़ ब्रेक होने सा फील हुआ और ये पूरी काफ मसल मेरी जो है स्टिफ हो गई एकदम पत्थर जैसी। ये मैंने उसको टच किया तो दब नहीं रही थी, फिर मैंने किसी तरह से रात को ऊपर नीचे किया तो वो सही हो गया, बट लेट गया मैं। फिर जब सुबह उठा हूँ तो मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जैसे जैसे ये पैर रखा है एड़ी उठा रहा हूँ तो ये पूरा पेन हो रहा है मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं टेंडन तो ना रपच्चर हुआ या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। PHC लेकिन अभी ये बंद है, शिक्षा के साथ आए हैं, बंद है, 9 बजे बोला है, तो वेट करते हैं, देखते हैं दिखाएंगे क्या होगा, चलो देखते हैं ट्रिप आगे कैसे होगी। यार यार ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेटे लेटे सोते सोते चोट मार ली मैंने सोचो सोते सोते। चलिए मिलते हैं, बताते हैं क्या होता है, आगे अपडेट देंगे, बाय। है ना, गुड मॉर्निंग, आज तारा डेट है आपकी कितनी, 26 में और बज रहे हैं 8, एक घंटे बाद PHC खुलेगी तब मैं चेकअप करवाऊँगा, बाय। एंड हाय गाइस, गुड मॉर्निंग बोलूँगा अभी, तो अभी 12 नहीं बजे, 11:10 हो रहा है, 26 मई है, हम लोग नए होटल में आ गए हैं, बागा बीच के पास में है, मिरांडा बीच रिजॉर्ट करके है, क्योंकि कल आए थे हम तो यहाँ पर हमने बुक कर लिए थे 2 रूम्स तो एडवांस देके, तो अभी हम लोग वहाँ से कलंगूट वाले से चेकआउट करके बागा की तरफ आ गए। ये काफ़ी अच्छा होटल है, उससे ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का बुफे मिलता है जो इंक्लूडेड है उसमें रूम चार्जेस में, बाकी मैं रूम टूर आपको दे देता हूँ। ये देखो खुशी है यहाँ पे, ये है कुछ रूम ऐसा, ये रूम है अपना, ये देखो ऐसे 2 रूम लिए हैं हमने, एक ये वाला है और एक अभी रेडी हो रहा है, चेकआउट नहीं हुआ, बाकी ये बाहर का व्यू है, यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो बहुत सही है ना, ये है, ये मिरांडा बीच रिजॉर्ट लिखा है, इधर से आपका बागा बीच आता है आगे 500 मीटर दूरी पे, बाकी ये नहीं इधर से नहीं सॉरी, ये वाली ये रोड गई है अंदर, नहीं हाँ सॉरी, ये है और इधर से ये राइट वाली मोड़ बागा की तरफ जाएगी, बाकी ये रूम है, ये हम हैं और ये मेरी टांग है, ये देखो कल इसमें स्प्रेन आ गया, पता नहीं क्या हुआ है, रात में काफ़ी दर्द हो रहा है, हालांकि डॉक्टर्स मिले नहीं थे बट फिलहाल मैंने जेल लगा लिया है, मूव स्प्रे जो आता है, और ये कुछ मैंने मेडिकल स्टोर से पेन किलर ली थी, ये खाई है, ये देखिए डेक्लोफेनेक जो भी है, खैर ये चलते हैं बाहर, मार्केट जा रहे हैं, बाकी आगे दिखाते हैं। और ये मैंने पहन ली अपनी कॉबॉय हैट, आई एम टोटली नाउ, ये देखिए हाय, और हाँ ये है शायद वॉशरूम ऐसा है कुछ, ठीक है ये हो गया, बाकी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये है होटल का एंट्रेंस, इधर पूल है इस साइड पे, पूल मैं आपको दिखा देता हूँ, पूल साइड एरिया, ये पूल साइड एरिया है, देखो कुछ लोग नहा रहे हैं, मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि प्राइवेसी है उनकी भाई, देखा ध्यान रखता हूँ, चलो भाई सब रेडी हो गए हैं, ये है होटल ब्लॉन्ड है, रम हो गई है ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड होगी इसकी शॉप, कितना
सो फाइनली टिटोस लेन बागा बीच पे आ चुके हैं। पार्किंग यहाँ पे है भाई साहब, पार्किंग पता है बाइक की है 50 रुपये और गाड़ी की है 200 रुपये 6 घंटे के लिए। मैं बात करी बता रहा पंचायत वालों ने अभी टेंडर उठवाया 1 करोड़ का, तो अपने मनमर्जी ले रहे हैं हमें, ये बढ़िया है भाई। ये देखिए टिटोस लेन, अभी ऊपर टिटोस रेस्टोरेंट है वहाँ जाएंगे खाएंगे ऊपर साइड में, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो विल लुक आफ्टर इट। बाकी गर्मी तो भाई साहब बहुत तगड़ी है, एकदम झिलाओ हो गई है। कहाँ गए सब लोग यार, बीच शेक पे आ गए हैं यहाँ पे। ये देखो क्या बन रहा है, ये ब्रेड्स कितने में बना है? 100 ईच बोली थी लेकिन अब ज़्यादा बना रहे हैं, तो ये पहले डिस्कस करना चाहिए ना तुम्हें। अब खुशी ने अचानक से बोली दो, यहाँ बीच शेक्स हैं अच्छे अच्छे, बाकी वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, लुक करेंगे शाम में लेकिन सनसेट टाइम पे, अभी नहीं बहुत गर्मी है इस वक्त। Thank you.
सेट बार रेस्टोरेंट फिलहाल अभी हम लोग अंजुना बीच पे आए हैं। वैसा कुछ व्यू है, आप देख सकते हो आगे। और अभी हम लोग कहते कि काफ़ी अच्छा है यहाँ का, बट वहाँ पे बुकिंग चल रही थी आधा घंटा वेटिंग, एक आधा से एक घंटा वेटिंग थी। और उसके बाद ये भी इशू था कि पर पर्सन 3,000 रुपये कवर चार्जेस थे, तो हम लोग 5,000 से तो 15,000 तो ऐसे ही हो जाता भाई, 15,000 का क्या खा लेंगे, कितना खा लेंगे। तो इसलिए वहाँ से फिर आ गए, बाद में जाएंगे किसी और कैफे में, वहाँ देखा जाएगा। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं और ये देखिए सनसेट होने वाला है, जैसा भी है सनसेट का। तो फाइनली अंजुना बीच के सनसेट पॉइंट पे हैं। ये देख रहे हो आप पीछे, पीछे व्यू देखो कितना बेहतरीन है, उधर सनसेट हो रहा है यहाँ पे। बाकी टाइम लैप्स पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखो आप क्या बेहतरीन व्यू है भाई। अभी बहुत बढ़िया सनसेट हम लोग देखा है, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, वहाँ पर आप सब लोग हैं। बहुत शुक्रिया।
आजा पानी आजा आजा, चलो भैया थोड़ा आगे बढ़ा जाए। कहाँ पे मिलता है वो एंड पे बागा बीच है, वहाँ पे एंड हो रहा है जहाँ पे रोड। भीड़ क्राउड तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ बागा पे, गंदा क्राउड है भाई, बहुत ज़्यादा, नॉर्मली से भी ज़्यादा है। शौरमा मैंने अभी ट्राई किया, चिकन शौरमा, इट वॉज एवरेज, बिलो एवरेज बोलो, ठीक ठाक था। भूख लग रही थी तो खा लिया है। बाकी कैफे है, मैम्बोस कैफे, चलो ज़्यादा बढ़िया है, टैक्स पे चलो। हाँ
बीच पूछा तो उन्होंने कहा जेवियर्स चले जाओ, तो ये जेवियर्स है, आई होप यहाँ पे मिल जाए। डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है जेवियर्स की, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यार इधर तो काफ़ी कुछ सजा हुआ है यार, मेरे पैरों की हालत ख़राब हो चुकी है, अब इतना दर्द हो रहा है ना, सैंड पे चला नहीं जा रहा है। अच्छा खासा मेरा पेन रिलीफ हो गया था, लेकिन मुझे लग रहा फिर से हो जाएगा। एंड सो फाइनली टाइम हो गया है कितना 10:39 और हम लोगों ने अभी डिनर कर लिया है। खाने में क्रैब खाया था, तंदूरी चिकन खाया था और पनीर की सब्जी थी और रोटी और बियर थी। बाकी इसमें खाया था जेवियर्स में, बहुत अच्छा है खाना, इज़ गुड। आप लोग इसे ट्राई करो, अगर सी फूड है तो सी फूड आके देखो। पूरा देखिए कैसे लाइटिंग एकदम बढ़िया सी हो रखी है। अच्छा ये जेवियर लास्ट है यहाँ पे, फिर उसके बाद उधर हैं कई सारे। अब ये बता रहे थे कि एक हफ्ते का ही है बस, उसके बाद सब बंद हो जाएगा क्योंकि मानसून शुरू हो जाएगा, तब कोई ज़्यादा ये सब सैक्स सारे बंद हो जाएंगे। हाँ अब हम लोग बीच साइड आ गए, थोड़ा बीची वाइब्स लेके फिर निकल लिया जाएगा वापस। नाइस नाइस नाइस। क्राउड भाई साहब यहाँ पे देखो, पार्किंग तो झमाझम हो गई है इस वक्त। टीटोस लेन, कार से आना तो इस टाइम पे भाई गलती है।